हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आजकल कुछ ऐसा चल रहा है आपके आसपास कि आपको शायद पता भी नहीं, बहुत जल्द किसी की असलियत, किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, जिसने बहुत टाइम से शायद आपको अंधेरे में रखा है कुछ बातों को लेकर। आइए देखते हैं किसका असली चेहरा आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी क्या बात है जो आपसे छुपाई जा रही है और बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, खुलने वाली है। किसी का भयानक रूप आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। ओह माय गॉड, डेविल एनर्जी तो आ ही गई है, बिल्कुल सही कार्ड्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे आसपास के लोग इतने ज्यादा फेकिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं कि हमको सपने में भी ख्याल नहीं होता कि इस इंसान के दिल में आपको लेकर कुछ ऐसे भाव हैं जिसका आपको पता नहीं है। डेविल एनर्जी मतलब कितना ज्यादा ये इंसान अपने आप को फेक करके आपके सामने मुखौटा पहन के बैठा है या बैठी है और आपको इसके बारे में पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इसने ये शायद कुछ ऐसी फील्ड में है, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं या हीलर टाइप के हैं, मतलब कुछ हीलिंग का इनका काम चलता है जिसकी वजह से लोगों को उन पर फेथ भी बहुत ज्यादा है। मतलब या तो फिर अपने आप को हीलर मानते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा इस पर्सन की दिखती है। और कोई यंग एक लड़का या लड़की इनकी हेल्प करते हैं ये सब चीजों में, इनका कोई असिस्टेंट भी है, यंग लड़का या लड़की हो सकते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं। मतलब आपको जितनी पहचान पॉसिबल है मैं बता रही हूं। और इस पर्सन के अंदर आपको लेकर या आपकी फैमिली के लोगों को लेकर बहुत ही डेविलिश एनर्जीज है। क्या प्रॉब्लम है इनको, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपसे? तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं, इमोशनल कुछ लॉस, फाइनेंशियल लॉस, किसी भी तरह का कोई लॉस इनकी लाइफ में हुआ है जिसके लिए वो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को जिम्मेदार मानते हैं। और इन्होंने क्या चूज किया है कि खुल के आपसे लड़ते नहीं है, खुलकर आपसे ये हल्ला बोल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, चुपके चुपके पीछे से आपको कोई कंपटीशन या चैलेंज देने की कोशिश करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सम काइंड ऑफ चैलेंज और कॉम्पिटिशन दे आर ट्राइंग टू गिव यू, क्योंकि उनको लगता है उनकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हुआ है वो आपके वजह से या आपके किसी फैमिली के मेंबर की वजह से हुआ है। बट ऑन द फेस ऑफ इट वो ऐसे अपने आप को एक्ट करते हैं एज इफ दे आर हीलर, एज इफ दे आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और पीठ पीछे उनका चेहरा बहुत ही अलग है जो आप नहीं जानते हैं। ये उस टाइम की राह देख रहे हैं, मतलब मैं कहूंगी इनमें बदलाखोरी की जो वृत्ति है ना, बदलाखोर है ये, इनको बदला लेना है आपसे। और जब इंसान बदला लेने पे उतर आए तब वो ये नहीं सोचता कि जिससे वो बदला लेना चाहता है कि सच में उस इंसान का कोई दोष है या नहीं। जैसे कि मुझे कार्ड से दिख रहा है आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके जो आसपास के कार्ड्स हैं डेविल के, एम्परर एंड कप्स, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सेंसिबल पर्सन है, तो आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में किसी की वजह से ये सब हुआ है तो ये पर्सन बहुत ही कनिंग प्लानिंग कर रहा है आप लोगों से किसी भी तरह का बदला लेने की। वो चाहेगा जैसा उसको लॉस हुआ है आपको भी हो, जैसा दर्द उसने सहा है वो आप भी सहें। लेकिन इसमें आपकी शायद डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगती है मुझे, कर आपको लगता है आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है इन चीजों में, किसी ने ऐसी कोई हरकत की है, तो अच्छा होगा ये लोग मिल बैठ के बात करके किस्से को खत्म कर लें। इमोशन और पैसा जुड़ा हुआ है इस पर्सन का, कोई ऐसी चीज हुई है आपकी फैमिली में जिसकी वजह से इसको लॉस हुआ है। यू आर नॉट डायरेक्टली इन क्वेश्चन, लेकिन क्या करता है कोई इंसान जब बदला लेने पर उतर आता है ना, तो दोष शायद फैमिली में किसी का हो, वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है जिसको नुकसान पहुंचा के वो सबको तकलीफ दे सके। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि आपकी जान खतरे में या ऐसी कोई बात है, लेकिन हाँ ये आप लोगों की जो गुडविल है या जो रेपुटेशन है उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करने में बिजी है ये पर्सन, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको पेट दिखा के जो भी कर रहा है वो कर रहा है। आपके पीछे वो कोई ना कोई चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं,
हो सकता है पिछले कई टाइम से आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे कि आपने तो कुछ किया नहीं, तो ये चैलेंज आ कहाँ से रहा है, या इस तरह की गॉसिप आपके बारे में कहाँ से एमिनेट हो रही है, उसके लिए ये पर्सन पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि आप इनके पास ही आए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अपने आप को जैसे कि मैंने कहा हीलर मानते हैं, या जैसे कोई टीचर है, टीचिंग प्रोफेशन है इनका, या डॉक्टर है, मतलब किसी भी तरह से ये आपको डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, आपको इस तरह से टूटा हुआ देखना चाहते हैं जिससे इनकी आत्मा को सुकून मिले। हो सकता है इनका बेटा या इनकी बेटी भी इनको सपोर्ट कर रहा है ये सब चीजों में, और ये लोग आपके काफी क्लोज है ये भी मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स के जरिए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी आपको डरने की कोई जरूरत है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, तो एज सच आपको डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सावधान रहना हमेशा सही होता है। आपको इनके बारे में और भी डिटेल्स पता चलेंगी जब मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। मैं देख रही हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से, फिर हम ये कार्ड्स पे जाते हैं जो एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई बात बाहर आए। तो यस, फाइनेंशियल और कोई इमोशनल लॉस, जब इमोशनल लॉस होता है अपने आप फाइनेंशियल लॉस में बदलता है, फाइनेंशियल लॉस होता है तो इमोशनल लॉस में बदलता है, आपकी नहीं तो आपकी फैमिली में किसी की वजह से अगर ये सब किसी के साथ हुआ है, तो मेरा यही आपको मशवरा रहेगा ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दो पार्टी सामने बैठ के बात को सुलझा ले, इसके बजाय के मन में एक दूसरे के लिए द्वेष रख के आगे चलते रहे। और बहुत जल्द ये एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों एक्सपोज हो जाएंगे, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, इनकी असलियत आपको बता दी है, ये कौन है और किस तरह से ये आप पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव रिपीट हो रहा है तीन बार, 1 2 3 5। इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, जोडियक साइन जो फिफ्थ है वो हो सकती है इनकी। तो आपको इस तरह से ध्यान देना ये पर्सन की पहचान क्या है। टू भी रिपीट हुआ है दो बार, टू इंपॉर्टेंट मंथ, अल्फाबेट का लेटर या इनकी जोडियक साइन टॉरस हो सकती है। मतलब आपको इस तरह से इस बात पे ध्यान देना है, जो रिपीट हो रहे हैं मैं उसी का आपको बता रही हूं, जिससे आप और भी ज्यादा सावधान हो जाएं। फाइव और टू तो रिपीट हुआ ही है। तो फ्रेंड्स ये पहचान मैंने आपको दी है इनकी। 15 भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेविल कार्ड का नंबर भी 15 है, तो 15 अल्फाबेट का लेटर, 15 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है इनकी लाइफ में। खैर आइए देखते हैं अब ये कार्ड्स क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं इस पर्सन से रिलेटेड। माई गॉड, दे वॉन्ट टू इन्वेड योर प्राइवेसी। आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो कुछ बातें हैं, जो घर के राज हैं, इसको ये एक्सपोज करना चाहते हैं आपको सजा देने के लिए। बी केयरफुल, आप किससे क्या शेयर करते हैं इसके बारे में जरा आप केयरफुल रहिए। इन लोगों का पूरा पूरा प्लानिंग है कि आपके घर की कुछ ऐसी बातें, आपकी राजदार बातें लोगों को पता चले। तो बी केयरफुल व्हाट यू आर शेयरिंग विद अदर्स। किसी के भी साथ कुछ भी शेयर प्लीज मत कीजिए, सोच समझ कर अपने घर की बात लोगों से कहिए। जहां तक हो सके बोलिए मत, अगर बोलना जरूरी है तो सोच समझ कर जिनको आप चूज करते हैं ना, जिससे शेयर करना है, बी केयरफुल अबाउट दैट। बी के एल लेटर्स है इंपॉर्टेंट अल्फाबेट के, 27 55 एज हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है 27। थर्सडे इंपॉर्टेंट डे या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यू चूज बट गॉड डिसाइड्स। आप चूज करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए बेहतर है, ये आप सोचते हैं, लेकिन गॉड आपके लिए वही डिसाइड करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है अभी जो सर्कमस्टेंसेस है आपकी लाइफ के, उसमें आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा सामने वो आपकी फेवर में ही होगा, क्योंकि वो गॉड ने डिसाइड किया है आपके लिए। तो बिल्कुल हार मत माने, दिल छोटा ना करे, जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। दो कार्ड्स निकले तो मैं ये भी पढ़ लूं आपके लिए। They are trying to vilify you. Be careful. फिर से आपके लिए मैसेज आया है ये षड्यंत्र करने वाले लोगों के लिए, कि वो आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको रीडिंग के दरमियान ये बात बता दी थी कि वो आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई
बदला लेना है आपसे, उनको या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लोगों को ये बात को सुलझा लेना चाहिए इस पर्सन के साथ मिलजुल के। बी केयरफुल, ये आपका नाम खराब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 44 एज हो सकती है, 8 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, वेडनेसडे एंड सितंबर भी आया है या आपके लिए या इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे आपके लिए उनको पहचानना बहुत इजी हो जाता है। देखते हैं, वेरी नाइस, सम गुड न्यूज इज कमिंग सून, बिल्कुल डरिए मत, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और इसका जो अंत होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि एंड में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। ट्यूजडे या संडे के दिन हो सकता है वो गुड न्यूज आपको मिले, ऐसा मैसेज एंजल्स का आपके लिए है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है उसमें एक अच्छी बात ये सामने आई है। समवन इज मैनिपुलेटिंग योर जेनरसिटी, आपकी अच्छाई का, आपकी उदारता का कोई गलत फायदा उठा रहा है, प्लीज आप केयरफुल रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, आप पर सारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग्स के बावजूद ये बहुत जरूरी है आप सावधान रहें। तो समवन इज मैनिपुलेटिंग योर जेनरसिटी, मई सितंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जिससे आप उसे पहचान सके। 13 इंपॉर्टेंट अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, डेट हो सकती है आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, आपके जो विरोधी हैं आपकी सफलता से बहुत ज्यादा डर चुके हैं या डर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं लाइफ में। आपके ओपोनेंट्स आपका जितना भी नाम बिगाड़ने की कोशिष करें, आपके खिलाफ कुछ भी करते रहे, षड्यंत्र करें, लेकिन एंड में सक्सेस आपको ही मिलने वाली है, ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर आप उठाइए। 9:32 एज हो सकती है, 41 एज हो सकती है, इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, 9 डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या अल्फाबेट का लेटर आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। आइए एक कार्ड, एक या दो कार्ड और ले लेते हैं। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लेजेंट है, शायद मैंने पिछली रीडिंग में ये बात आपको बताई थी कि आपके अंदर कुछ ऐसी कशिश है, ऐसा करिश्मा है कि लोग आपको प्यार करेंगे या आपसे नफरत करेंगे, लेकिन आपको इग्नोर कोई नहीं कर सकता, आपकी तरफ एक बार देखना बनता है, ऐसा लोगों का मानना है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। यस, जेलस कपल, ये भी कपल ही है, मैंने कहा एक पर्सन है उनका बेटा या बेटी उनके साथ जुड़े हुए हैं आपको नुकसान पहुंचाने में, तो ये कपल ही है एक तरह से। अ जेलस कपल इज देयर अराउंड यू डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कुछ गेम कर रहे हैं ये लोग। 2828 वर्गो मार्च LOVZ, ये चीजें आई हैं जिससे आपको ध्यान देना है, ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है या इनकी लाइफ में, जो कि ये जेलस लोग हैं, दो लोग हैं कपल, मतलब दो लोगों मियां बीवी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, या बाप बेटा या माँ बेटा बेटी, कुछ भी दो लोग हैं, कपल मीन्स टू पीपल। 28 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, मंथ हो सकते हैं, वर्गो मार्च दिया है और LOVNZ। आइए एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं आज की रीडिंग, यहां पर फिर कंक्लूड करते हैं। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू, कोई है जो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, लेकिन आपके साथ जो कुछ चल रहा है आजकल उसकी वजह से ये पर्सन शायद आपको हेल्प करने के लिए आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं है, बहुत जल्द कोई आपके साथ जुड़ने वाला है या वाली है। जनवरी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपकी या उस पर्सन की लाइफ में, ई और के इंपॉर्टेंट अल्फाबेट आपके या उसकी लाइफ के लिए, वेडनेसडे कैंसर और लिब्रा जोडियक साइंस भी आए हैं। तो फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन रहेगा, आई प्रे टू गॉड या आई प्रे टू यूनिवर्स, आई प्रे टू माय एंसेस्टर्स, लुक आफ्टर मी, मेरा ध्यान रखिए। वैसे वो ध्यान रखते ही हैं, इसलिए आप थैंकफुल तो है ही उनको, लेकिन आप फिर से गुजारिश उनको कर रहे हैं, प्लीज लुक आफ्टर मी, टेक केयर ऑफ मी। मैं अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से, गॉड से रिक्वेस्ट करता हूं या करती हूं कि प्लीज मेरा ध्यान हमेशा रखना, मेरे आसपास हमेशा रहना। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी या रीडिंग, या फिर एक सिंपल सा यस। तो फ्रेंड्स
आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। एफर्मेशन जरूर कीजिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए कौन ये पर्सन है जो आपके साथ बतला लेने की कोशिश में हमेशा टो में लगे रहते हैं। जरूर शेयर कीजिए जो भी आपका रिलेशन उनसे, उनका नाम, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की कि आपने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है, इतना ज्यादा मोटिवेट किया है मुझे कि मेरे को रीडिंग करते टाइम ऐसे लगता है मैं अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट काम कर रही हूँ। इतना मुझे मजा आता है रीडिंग करने में आपके लिए। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपना फोन नंबर या अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए, जो मैं कहूँ बस उतना ही शेयर कीजिए। प्रॉब्लम्स और फोन नंबर सिर्फ मेल पर, जिसका जीमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दिया है, वहीं आपको शेयर करना है। अगर कोई बात करनी है, रीडिंग लेनी है, जो भी है, नॉट इन द कमेंट सेक्शन। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा। बाय बाय।